दोस्तों, आंधी तूफान के कारण हमारा कितना नुकसान हुआ है, ये हमारा गेट। नमस्कार दोस्तों, फिर से YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, ये रहा मेरा बेटा, टुकु टुकु कर रहा है। इसको लग रहा है फोन में मम्मा क्या कर रही है, इसलिए देख रहा है। दोस्तों देखिए, यशु हाय कर दो, हाय कर दो यशु, हाय हाय अंकल, चाचू, नानू, मामा, भैया, हाय ना नाना, नानी, हाय कर दो सबको। और ये रहा कार दोस्तों, जो कि देखिए, ये कार इस तरीके का कुछ लगा हुआ है। ये मेरा नहीं है दोस्तों, ये मेरा भैया का कार है, छोटा है मेरे से, छोटे भाई का कार है, जो कि यहाँ आ गई। देखिए आप लोग, कुछ इस तरीके का है। हम पता नहीं इसे कौन कार कहते हैं, मुझे तो नॉलेज नहीं है कार के बारे में। आप लोग बता ही सकते हो इस कार का नाम क्या है। और चलते हैं छत पे। और मौसम बहुत खराब है दोस्तों, बहुत आंधी तूफान आने वाला है शायद, लगता है देख के। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर का कुछ मौसम। चाबी ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर छत पे हम लोग नहीं जाते हैं दोस्तों धूप के कारण। तो क्या करते हैं कि गेट लॉक करके ही ऊपर छत का रखते हैं, क्योंकि जाते ही नहीं है। कपड़ा भी अगर डालना रहता है तो नीचे ही कपड़ा फंसा देते हैं, डाल देते हैं। चलिए मिलते हैं छत पे, जाके आप लोग से बातें करते हैं। और आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगी, देख सकते हैं दोस्तों मैं छत पे आ चुकी हूँ। कुछ इस तरीके का गेट खुल गया है ऊपर का। और देखिए मौसम कैसा है, मौसम बहुत बेकार है दोस्तों। दोस्तों, आंधी तूफान के कारण हमारा कितना नुकसान हुआ है। ये हमारा गेट नीचे की रूम में लगाने के लिए गेट लाए थे दोस्तों, देखिए कैसे टूट गया है, शीशा फूट गया है इसका, बहुत नुकसान हुआ, देख सकते हो। और ये हमारा सबसे भारी नुकसान क्या है हुआ है दोस्तों, जो कि देखो आप लोग, दीवार गिर गया था आंधी तूफान में। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि आंधी, इतना जोर से आंधी तूफान आया था जो कि दीवार टूट गया। और देखिए लाइटिंग टूट गया दोस्तों, ऐसे देखिए टूट गया है लाइटिंग। क्या ही बोलूँ मैं, इतना मेहनत से हमने बनवाया था घर, जो टूट गया। अब इसमें बहुत मेहनत लगेगा बनाने में दोस्तों, जो कि आप लोग ही बताइए सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मैं ऐसा फिर से घर खड़ा कर सकती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का, देखिए हमारे दोनों बेटा बेटी बिस्किट खा रहा है, बेटी जो है बाबू को खिला रही है, कैसे बैठा हुआ है। हमने देखिए करकट ला के रखा था कि करकट मैं ऊपर से दूंगी इस वाले रूम में। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाती हूँ, इस वाले रूम में करकट देने के लिए। तो ये दीवार गिर चुका है दोस्तों, आप बताइए। देखिए और देखिए मौसम कैसा है, बहुत बेकार मौसम लग रहा है, लेकिन फिर भी ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा है लग रहा है मुझे, गर्मी नहीं फील हो रही है और मौसम बहुत प्यारा है दोस्तों। लेकिन गड़बड़ भी थोड़ा है, कब आंधी ना आ जाए डर लग रहा है। 4-5 दिन के पहले आंधी आया था बहुत ज़ोर शोर से, सब बहुत सारा, मेरा तो टंकी का ढक्कन उड़ गया था दोस्तों, जो कि 8 दिन 10 दिन के बाद मिला, 10 दिन के पहले ही अंधड़ आया था दोस्तों। मैंने आप लोग नहीं वीडियो दिखाई, सब की दिखाऊंगी, बहुत टेंशन में थी मैं। और देखिए, और मैं नीचे जा रही हूँ सीढ़ी से, हमारा बहुत नुकसान हो गया दोस्तों, क्या बताऊँ, बता नहीं सकती कि कितना नुकसान हुआ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, एक सब्सक्राइब से किया जाता है। और पीयू के लगता है दोस्त आई है, मेरी बेटी का दोस्त आई है, नीचे बुला रही है, गेट खोलने के लिए बोल रही है। तो मैं जाती हूँ नीचे से बातें करके आती हूँ, फिर आप लोग से बातें करेंगे। और हाँ, लगता है कुछ नीचे कोई चाल कर रहा है, बुला रहा है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले ब्लॉग में। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।
सही से लगा दो, सिटकिन लगा दो। आओ ऊपर आओ। किसको किसको ठंडा लग रहा है, हाथ उठाओ। ब्लॉग शूट हो रहा है। वीडियो तो बना रहा है। इसी को ब्लॉग शूट हो रहा है बेटा। आए देखो ए कुरकुरे पार्टी, तुमको भी ठंडा लग रहा है कुरकुरे। हमारी बेटी कह रही है वीडियो बन रहा है सामने। बेटा खा रहा है बिस्किट। बिस्किट खा रहा है।